गैंगस्टर अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। मेरठ में एसटीएफ ने दुजाना को मार गिराया। मेरठ के भोला झाल गंग नहर के पास स्कॉर्पियो से जा रहा दुजाना के साथ एसटीएफ की मुठभेड़ हुई। ग्रेटर नोएडा का बादलपुर थाना क्षेत्र दुजाना गांव का वो गैंगस्टर था, उसे नेपाल भागने का इनपुट लगा था। इसी बीच पता चला कि गाजियाबाद में किसी वारदात को अंजाम देने वाला है। अनिल दुजाना का मारा जाना यूपी एसटीएफ की बड़ी सफलता कही जा रही है। बताया जा रहा है कि दुजाना साथियों के साथ मिलकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने मेरठ यूनिट में घेराबंदी कर ली थी। अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में आतंक का पर्याय माना जाता है। करीब 10 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। जेल से रिहा होते ही उसने गौतम बुद्ध नगर में अपने खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकियां दी थी। अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर में दादरी क्षेत्र में दुजाना गांव का रहने वाला था। वो पिछले करीब 3 दशकों से जयराम की दुनिया में सक्रिय था। अनिल दुजाना पर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जिलों में करीब 50 मुकदमे चल रहे थे, जिसमें हत्या का प्रयास, डकैती, लूटपाट, रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने, बलवा गुंडा एक्ट, गैंगस्टर अधिनियम और एनएसए के तहत मुकदमे चल रहे थे। अनिल दुजाना उत्तर प्रदेश के टॉप बदमाशों में शामिल था। कुछ ही दिनों पहले यूपी के टॉप 65 माफियों की लिस्ट योगी आदित्यनाथ के कार्यालय पर जारी की गई थी, जिसमें ग्रेटर नोएडा के अनिल दुजाना का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में गौतम बुद्ध नगर जिले के 7 माफिया शामिल थे, जिसमें से इस समय 6 जेल में बंद है। अनिल दुजाना जेल से बाहर आने के बाद फरार चल रहा था।